नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल। मेरा यूट्यूब एंड इन्वेस्ट स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन कल के लिए उसका चार्ट में मतलब उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है और उसका डायरेक्शन क्या हो सकता है, तो वो कल के लिए मतलब 13 मई 2020 के लिए मैंने वो डायरेक्शन बताने का कोशिश करूंगा। इसमें मैंने चार्ट में सपोर्ट रेजिस्टेंस देखूंगा, चार्ट एनालिसिस करूंगा, इंडेक्स का, फ्यूचर्स का, ऑप्शन चेन एनालिसिस करूंगा, प्रोबेबिलिटी दिखाऊंगा, उसके बाद बाइंग लेवल और सेलिंग लेवल जो है मेरा बाई सेल एक्सेल शीट से वो भी दिखाऊंगा। तो वो आप लोग ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा और जो बाई लेवल एंड सेल लेवल देता हूँ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का, हाउ टू ट्रेड एंड व्हाट टू ट्रेड टुमारो इन ऑल सेगमेंट्स, वो वाला वीडियो भी आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो अब उसमें इक्विटी बैंक निफ्टी कमोडिटी का बहुत सारा लेवल्स आप लोग को मिल जाएगा, कैंडलस्टिक पैटर्न, इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा स्टॉक्स में फॉर्म हुआ है वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, बहुत सारा रिसोर्सेज जो मिल जाएगा जो आप लोग नेक्स्ट डे में ट्रेडिंग करना आसान हो जाएगा। और इसके अलावा मैंने लाइव डेमो दिखाता हूँ मेरा बाइसेल एक्सेल शीट और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी वेब्स में, हाउ टू ट्रेड इन इंटरडे इन निफ्टी बैंक निफ्टी पेयर ट्रेडिंग इन ऑल सेगमेंट, मेरा चार्ट का सेटअप स्ट्रेटेजी से और मेरा बाइसेल एक्सेल शीट से बाइंग लेवल्स एंड सेलिंग लेवल्स कैलकुलेट करके, तो वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो वो भी उसमें मैंने ट्रेनिंग मॉड्यूल भी रखा है, आप लोग ट्रेनिंग भी ले सकता है, मेरा कॉल सर्विस भी ले सकता है, तो वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब करके रखिए और इसका बेल आइकन जरूर दबाइए, सभी समय आप लोग को नोटिफिकेशन नहीं मिल सकता है, तो इसलिए सब्सक्राइब करना जरूरी है। और इसमें जो मेरा सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, मेरा वेबसाइट, मेरा फेसबुक पेज, व्हाट्सएप फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब में भी आप लोग रहिए क्योंकि किसी दिन मैंने लोड नहीं कर पाऊँगा, तो ये सब चीज़ आप लोग को मतलब यूट्यूब वीडियो लोड नहीं कर पाऊँगा तो मैंने उधर वीडियो बना के पोस्ट कर दे सकता हूँ, तो उधर आप लोग ज्वाइन हो जाएगा तो आप लोग को सुविधा हो जाएगा। और मेरा जो चैनल पे बहुत सारा इम्पोर्टेंट चार्ट का सेटअप है, जो बहुत सारा हाई चार्ट का सेटअप है जो आप लोग को हाई रकम के साथ प्रॉफिट दे सकता है, फिबोनाची लेवल्स कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है एक्सेल शीट में, हाउ टू ड्रॉ फिबोनाची लेवल्स, हाउ टू सिलेक्ट शॉर्ट इंटर स्टॉक्स फॉर इंटरडे, हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म, बहुत अच्छा टेक्निक दिखाया गया है, पेयर ट्रेडिंग, आर्बिट्रेज, ऑप्शन चेन एनालिसिस, बहुत सारा स्ट्रैटेजीज एंड टेक्निक्स दिखाया गया है उधर, तो वो भी उधर आप लोग को मिल जाएगा। और यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन तो आप लोग को जरूर पढ़ेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट लिंक दिया हुआ है, ये सब वीडियो का लिंक दिया हुआ है, सोशल नेटवर्क का साइट्स का सब लिंक दिया हुआ है और टेलीग्राम चैनल जिसमें अब मैंने ये फाइल पूरा देता हूँ, वाइसल एक्सेल शीट का फाइल देता हूँ, तो उसमें आप लोग कुछ दिन ट्रायल के लिए ज्वाइन हो सकता है और जो कॉल सर्विस लेंगे उसमें पूरा फाइल आप लोगों को दे दूंगा। और इसमें व्हाट आर द थिंग्स अवेलेबल इन द बाइसेल एक्सेल शीट उसमें भी आप लोग देख सकता है और उस वीडियो भी आप लोग देख सकता है, तो उसमें क्या क्या है उसमें आप लोग को देख सुविधा हो जाएगा और कैसे स्क्रीनिंग करना वो भी सुविधा हो जाएगा, उसमें डाउनलोड करने का लिंक भी है, वो भी आप लोग को डाउनलोड करके देख सकता है। तो देखिए मैंने निफ्टी का डेली चार्ट ओपन किया हूँ, इसमें ये जो चैनल है इसका तो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, इसका जो सॉरी चैनल ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है और इधर ये जो कैंडल आज बना है इसका थोड़ा सा ये तो बुलिश कैंडल आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये बुलिश कैंडल है, थोड़ा सा नीचे आया था लेकिन वो नीचे से ऊपर आप साइड में प्रेशर मतलब अपसेट में बाइंग प्रेशर आया, उसमें ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है, थोड़ा सा अप ट्रेंड दिखा है लेकिन इसका जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है ये नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखता है क्योंकि इधर जो ट्रेंड लाइन है इसका नीचे आया है, लेकिन और भी एक इधर 9150 का नीचे एक कॉन्फर्मेशन कैंडल बनना पड़ेगा, ठीक है। और इधर जो इम्पोर्टेंट
रेजिस्टेंस लेवल्स है, तो इसका इसका जो रेजिस्टेंस लेवल्स है ये 9198 पे है, इसके बाद 9290, इसके बाद 9343, उसके बाद 9435, उसके बाद 9487, उसके बाद 9500 में इसका सपोर्ट है, उसके बाद 9700, उसके बाद 9800, उसके ऐसे करके इसका मतलब रेजिस्टेंस है। और इधर नीचे जो है इधर 9146 में इसका सपोर्ट बनेगा, उसके बाद 9054 में सपोर्ट बनेगा, उसके बाद थोड़ा सा देखना पड़ेगा नीचे नीचे का जो लेवल है इसमें जो इस इधर आप लोग बाएं साइड में देख रहा है 8937, इसके बाद जो लेवल्स है इसके बाद 8937 का लेवल आ सकता है। मरर के ये मेरा थोड़ा सा नेट में प्रॉब्लम आ रहा है, चार्टिंग चार्ट लोड नहीं हो रहा है, इसीलिए एक मिनट रुक के चार्ट थोड़ा सा चला जा रहा है। मतलब इसका 8500 तक इसका सपोर्ट है इसका, इसके बाद मैंने फिर से ऑप्शन चेन भी दिखाऊंगा। इसका ट्रेंड थोड़ा सा अभी डाउन ट्रेंड ही है, तो इसका जो होता है अभी जो होता है मेन ट्रेंड इसका डाउन ट्रेंड ही है, मतलब प्राइमरी ट्रेंड, लेकिन सेकेंडरी जो टर्शियरी ट्रेंड जो बनता है तो इसका थोड़ा सा मतलब अपसाइड में दिख रहा है। तो ये और इसका डेड कैट बाउंस भी आप लोग बोल सकता है, और डेड कैट बाउंस बहुत ही ऊपर भी मतलब जा सकता है, लगभग 7500-9800 तक ये जा सकता है। तो इसका जो इधर जो ये चैनल अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है लेकिन इसका चैनल भी अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। तो इधर 9124 में भी एक सपोर्ट दिख रहा है 9130 का आसपास, उसके बाद इसका जो सपोर्ट है इसका जो सपोर्ट बनेगा इधर 85862, ठीक है, 8562 के नीचे इसका बन सकता है 8200, उसके बाद 8000 तक इसका सपोर्ट दिख रहा है। और लॉन्ग टर्म में इसका देख लेता हूँ एक बार, लॉन्ग टर्म का जो सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो इधर मैंने अभी थोड़ा सा बैंक निफ्टी को दिखा देता हूँ, मोबाइल से देखता है इसीलिए इन लोगों को भी बड़ा करना पड़ता है, थोड़ा सा दिक्कत है इसमें कर रहा है।
दोस्तों थोड़ा सा नेट का प्रॉब्लम से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, दिखा देता हूँ आप लोग को। अब मैं वीडियो रिकॉर्डिंग चालू करता हूँ, इसका नेट का प्रॉब्लम भी चालू हो जाता है। इसका बैंक इधर से आप लोग को दिखा देता हूँ, मतलब फ्यूचर्स का दिखा देता हूँ मैं तो। इधर से आप लोग को चार्ट पे एनालिसिस करके दिखा देता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स का भी चार्ट आ जाएगा इधर। इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। निफ्टी फ्यूचर का चार्ट में दोस्तों देखिए, इधर इधर भी एक बुलिश कैंडल बना है, ये थोड़ा सा मतलब स्पिनिंग टॉप जैसा कैंडल बोल सकते हैं या बुलिश हरामी जैसा कैंडल बोल सकते हैं इसको। इसका 9275 के ऊपर इसका सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है। उसके बाद ये 9330 तक जा सकता है, इसके बाद 9400, इसके बाद 9466, इसके बाद 9659, इसके बाद ये 9740, उसके बाद 9850 तक जा सकता है नीचे। इसका जो सपोर्ट बनेगा ये 9176 के नीचे, ये नीचे आ सकता है। उसके बाद 9143, उसके बाद 9119, उसके बाद 9078, ठीक है। और बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ, फ्यूचर्स का पहले दिखा देता हूँ और स्टॉक्स का भी दिखाता हूँ। ये आप लोग देख ही सकता है कि ये डाउन ट्रेंड में है। इसका RSI भी 40 का नीचे दिख रहा है, ये निफ्टी का थोड़ा सा 40 का ऊपर दिख रहा है, देखता है बैंक निफ्टी का, लेकिन 30 के नीचे ही आया है, रहा है अभी तक। तो इसका
जो सपोर्ट बनेगा 19,241, उसके बाद सॉरी रेजिस्टेंस बनेगा, उसके बाद इसका 19,463, 19,898, 19,586, 21,213 और 21,871। और नीचे जो इतना आ सकता है बैंक निफ्टी हज़ार ठीक, हाँ नीचे 18,671, उसके बाद 18,551, उसके बाद 18,583, उसके बाद 18,327, उसके बाद 18,177। तो इधर से मैंने इसका बैंक निफ्टी का इंडेक्स का चार्ट देखता हूँ सर, ये इधर इधर इंडेक्स का अभी तो थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, थोड़ा सा इससे प्रॉब्लम होगा। आप लोग को ऑप्शन चेन एनालिसिस दिखाता हूँ, उधर से भी आप लोग को सपोर्ट रेजिस्टेंस बता देता हूँ। इधर देखिए ऑप्शन चेन एनालिसिस ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इधर निफ्टी का जो पीसीआर रेशियो है इधर 0.90 है, 0.91 का ऐसा कुछ है, ठीक है। और इधर देखिए इधर 9,500 में इसका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में इधर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, और इधर इधर भी लॉन्ग बिल्डअप पुट साइड में भी लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दे रहा है, और इधर जो लेवल से इसका शॉर्टिंग हो रहा है वो है 9,000 पुट का जो शॉर्टिंग दिख रहा है, इधर है 9,350 का लेवल से, ठीक है 9,350 का लेवल से शॉर्टिंग दिखा रहा है। और शॉर्टिंग मतलब ये लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है, फ्रेश लॉन्ग पोजीशन मतलब फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बना है। और इधर जो ओपन इंटरेस्ट है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है ये कॉल सेट के थोड़ा सा कम है, तो इधर 9,350 तक ये आ जा सकता है, इधर लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है। और इधर इसका 9,300 में देखिए इसका जो इधर लॉन्ग इधर भी लॉन्ग अनविंडिंग हुआ है, इधर मतलब कॉल साइड में लॉन्ग अनविंडिंग दिखा रहा है, और इधर भी लॉन्ग इधर भी लॉन्ग अनविंडिंग सॉरी शॉर्ट लॉन्ग अनविंडिंग दिखा रहा है। इसका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, और इसका इसका ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पकड़ के भी इस साइड से कम कॉल साइड से कम है, तो 9,300 में इसका रेजिस्टेंस बहुत ही जबरदस्त होगा, ठीक है। और इधर उसके बाद 9,200 में देखिए इसका कॉल साइड में जो रेजिस्टेंस ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, और इधर जो ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है ये कॉल साइड में ज़्यादा है, पुट साइड में कम है, तो इधर भी शॉर्टिंग ज़्यादा हो रहा है। तो एक रीज़न की ये देखिए इधर नज़दीक वाला जो है इसमें आप लोग को शॉर्टिंग दिख रहा है, उसके ऊपर से ये लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दे रहा है, तो ऐसा पोजीशन क्यों होता है, तो ऐसा पोजीशन होता है कि इसमें जो जो पीपल इस लॉन्ग सॉरी शॉर्ट व्यू लेके चल रहा है इसका पुट बाई कर रहा है, और मतलब दूर का कॉल बाई करके मतलब हेजिंग कर रहा है, तो इसीलिए इसका जो दूर का स्ट्राइक प्राइस में इसका शॉर्टिंग दिख रहा है सॉरी लॉन्ग दिख रहा है। और इधर आप लोग को 9,000 में इसका और इधर आई भी कम है, और कॉल साइड में आई भी ज़्यादा है शॉर्टिंग होने का मतलब कॉल शॉर्टिंग होने का जो आई भी है, और ये पुट साइड पुट शॉर्टिंग होने का आई भी से ज़्यादा है, तो इसका भी मतलब बोला मतलब कॉल साइड में जब नीचे जब आएगा तो इसका वोलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा होगा, मतलब तेज़ी से नीचे आएगा जब और ऊपर जाएगा तो उसका ऊपर जाने के लिए दिक्कत होगा। और इधर 9,000 में इसका सपोर्ट बना है, इधर भी लॉन्ग बिल्डअप सब लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है, इधर सॉरी शॉर्ट बिल्डअप दिखा रहा है, और इधर जो लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है मैंने 9,150 में या 9,150 में देख लेता हूँ, 9,150 में जो ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का क्या पोजीशन है, पुट साइड में कुछ ज़्यादा है शॉर्टिंग होने का, लेकिन आई भी इधर कम है, आई भी पुट साइड में कम है और कॉल साइड में ज़्यादा है, 9,150 में भी ज़्यादा है, तो इसका देखिए 8,500 तक इसका मतलब शॉर्टिंग दिखा रहा है, तो इस सर इधर भी 8,500 में इसका बहुत ही वॉल्यूम अच्छा है, और इधर 8,500 तक इसका आने का प्रोबेबिलिटी बनता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी बनता है, ठीक है। नीचे का लेवल मतलब
इस एक्सपायरी तक हो सकता है या इस महीना का एक्सपायरी तक, और इसका मैंने मंथ एंड में क्या एक्टिविटी चल रहा है ये दिखाई देता हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है चार्ट एनालिसिस का। आप लोग थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, लेकिन इसमें से आप लोग को बहुत ही ऑप्शन चेन में क्या है बहुत ही अच्छी तरह से एनालिसिस किया जा सकता है। तो इधर देखिए 9500 का स्ट्राइक प्राइस मैंने, इधर दिखता हूँ कौन सा स्ट्राइक प्राइस में क्या क्या एक्टिविटी चल रहा है। 9500 का अकाउंट में जो दिखाई दे रहा है, तो इधर ज़्यादा देखता है मतलब कॉल साइड में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, तो कॉल साइड में लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, लेकिन 9350 में शॉर्ट बिल्डअप, 9550 में शॉर्ट बिल्डअप दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इधर 9200 इसका जो इधर पुट साइड में देखिए, पुट साइड में भी लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, तो मतलब पुट साइड में भी लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। तो इधर इसका मतलब इधर ये है कि इसका जो मतलब बुलिश और बियरिश दोनों सेंटीमेंट लेके ही चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा मतलब इसका साइडवेज मोमेंटम है, मतलब इधर ऊपर ऊपर और इधर लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, मतलब अप साइड में थोड़ा सा लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है पुट साइड में, मतलब नीचे का साइड में, तो कि 9050 में इधर थोड़ा सा शॉर्टिंग हो रहा है 9850 में, तो बीच बीच में इसका मतलब शॉर्टिंग दिखा रहा है, लेकिन इसका ज़्यादा मतलब और जो ज़्यादा जब नीचे भी जाएगा तो इसका थोड़ा सा मतलब बुलिश और बियरिश थोड़ा सा मतलब ऑलमोस्ट सेम रहता है, और ज़्यादा ऊपर भी नहीं जाएगा, तो इसीलिए लेकिन इसका नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। नेट का प्रॉब्लम फिर से आ रहा, हम लोग को इसमें इन द मीन टाइम नेट को आने दीजिए, मैंने इन द मीन टाइम प्रोबेबिलिटी को दिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी को दिखा देता हूँ। ये निफ्टी का प्रोबेबिलिटी है, इसमें देखिए 9000 का स्ट्राइक प्राइस में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है, 9500 में कम दिख रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी इस एक्सपायरी का मैंने पकड़ा है, ठीक है। तो इधर और बैंक निफ्टी का भी ऐसा ही है, इधर इधर भी मतलब नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। इसका जो देखता है बैंक निफ्टी का जो देख रहा है, देखिए इधर पूरा शॉर्ट बिल्डअप दिखा रहा है 20000 में, तो इसका मतलब कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखा रहा है, लेकिन इसका जो मतलब 20700 तक इसका देखिए 20700 से इसका भी लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, मतलब ये कुछ नहीं कॉल बाई करके ये हेजिंग कर रहा है, लेकिन एक्चुअली मतलब शॉर्ट व्यू लेके चल रहा है, कॉल बाई करके इसका मतलब हेजिंग हो रहा है। और इधर भी शॉर्टिंग दिखा रहा है, इधर भी शॉर्टिंग दिखा रहा है, इसमें 19000 में इसका सपोर्ट है, 19000 में इसका सपोर्ट दिख रहा है, 19000 में इसका सपोर्ट जो दिख रहा है, तो इधर लॉन्ग बिल्डअप भी हुआ है, इधर ऑप्शन चेन में के अंदर इधर अप साइड में लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दे रहा है पुट साइड में, और इधर का जो आई वी है इधर से थोड़ा सा ज़्यादा है, और इधर इधर लॉन्ग बिल्डअप भी दिखाई दे रहा है, मतलब नीचे से ज़्यादा नीचे लॉन्ग बिल्डअप भी दिखाई दे रहा है, मतलब इसका 19100 तक इधर लॉन्ग बिल्डअप दिखा दे रहा है, उसके बाद ये शॉर्ट कर रहा है, इधर से शॉर्ट बिल्डअप दिखा रहा है, 18500 तक शॉर्ट बिल्डअप दिखा रहा है, मैंने नेक्स्ट एक्सपायरी तक दिखाऊंगा। तो इसमें जो दिखाई दे रहा है, तो इसमें भी इधर भी कॉल साइड में भी शॉर्टिंग दिखा दे रहा है, तो ऑप्शन इसका जो जिस साइड में ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा दिखेगा, तो उधर उस साइड में मतलब स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, दोनों साइड में शॉर्टिंग हो रहा है, जिस स्ट्राइक प्राइस में जाने का मतलब ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा दिखेगा। अच्छा मतलब एक्सपायरी में क्या हो रहा है एक बार देख लेता है, एक्सपायरी में तो इसका देखना पड़ेगा क्या हो सकता है एक्सपायरी में, क्या सिनेरियो दिखा रहा है। ये पूरा शॉर्ट बिल्डअप दिखा रहा है, नीचे तक ये शॉर्ट बिल्डअप है, लेकिन अप साइड में लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है, और इधर इधर भी इधर 19500 में इधर 20000 में सपोर्ट दिखा रहा है, लेकिन मतलब और इधर इधर पूरा लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है, ठीक है। इधर कॉल साइड में पूरा लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है, 18000 तक ये लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है,
कुछ 8,700 में कुछ सपोर्ट मतलब शॉर्ट बिल्डअप है 8,700 8,600 में। तो इधर अभी इधर भी शॉर्टिंग हो रहा है, इधर ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जिधर जितना है 8,700 8,600। तो ये कॉल साइड में थोड़ा सा कॉल साइड में 8,700 में 5,850 760। और इधर इधर कॉल साइड में देखिए शॉर्टिंग का ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा दिख रहा है 8,700 में 8,600 में भी 8,600 में 8,700 इधर 8,600 8,800 में भी 8,800 में भी इसका ज़्यादा दिख रहा है कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। और इधर 8,500 में जो शॉर्टिंग हो रहा है तो इधर क्या दिख रहा है, ये तो लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है 8,500 में, तो पुट साइड में लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल जो ये है नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है 8,500 आप लोग सपोर्ट पकड़ सकते हैं। और इसमें जो रेजिस्टेंस मिलेगा तो इस ये व्यू लेके आप लोग एक्सपायरी तक चल सकता है, मतलब इस एक्सपायरी तक नेक्स्ट इस एक्सपायरी और नेक्स्ट एक्सपायरी मतलब मंथ एंड एक्सपायरी 20,000 8,500 का इसका जो चलता है। और इधर निफ्टी में 9,500 9,000 का बीच में हो सकता है, 9,000 का नीचे इसका आएगा तो 8,500 तक भी आ सकता है, ऊपर 9,500 का ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। तो यही है तो ओवरऑल व्यू एनीवे। और उसके बाद मैंने गन 360 एनालिसिस देखे, मैंने भी दिखाता हूँ गन 360 एनालिसिस क्या बोलता है। इसमें थोड़ा सा नीचे आने का प्रोबेबिलिटी दिखा रहा था, इधर 9,194 में क्लोजिंग दिया, 9,264 के ऊपर जाने का कोशिश किया, इधर 9,099 के नीचे गया था, 9,9004 का नीचे सॉरी जा नहीं पाया उसका नीचे, इसका 8,720 में इसका सपोर्ट बनेगा ठीक है। और इधर बैंक निफ्टी में जो है इसका तो मतलब 18,000 का जो नीचे है तो इसका 18,500 का 17,819 में इसका सपोर्ट मिलेगा ठीक है। और इसमें मैंने एक दिन का भी लेवल दिखा देता हूँ, एक दिन का जो गन 360 के एंगल बनता है, और रात में भी आप लोग को बहुत सारा लेवल्स दिखाऊंगा तो वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो इसमें आप लोग को बहुत ही इम्प्रूवमेंट आएगा, मतलब आप लोग को बहुत ही सुविधा हो जाएगा ट्रेड करने के लिए। अच्छा इसमें ओल्ड मार्केट में भी कुछ एसजेक्स निफ्टी पॉजिटिव दिख रहा है, 9,200 का ऊपर है, मैंने दिखाता हूँ वो भी दिखाता हूँ, 9,200 का ऊपर दिखा रहा है, लेकिन डाउ जोंस नीचे है, S&P मतलब कुछ मिक्स सिग्नल दे रहा है। तो अभी थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर ज़्यादा नहीं दिखा रहा है और जो थोड़ा सा एडवांस डेट का एडवांस हो सकता है। और इधर का देखिए 9,156 का ऊपर है, 9,269 ये 9,256 के नीचे है, लेकिन 9,196 है, इसके बाद 9,269 के ऊपर ये ऊपर जा सकता है। आप लोग फ्यूचर का भी ये देख सकता है, फर्स्ट साइकिल अपसाइड, उसके बाद फर्स्ट साइकिल डाउन साइड, ये 9,124 और 18,795 का ये नीचे आ सकता है ठीक है। तो ये अपसाइड सेकंड साइकिल अपसाइड सॉरी डाउन साइड सेकंड साइकिल ये था, इसके बाद अपसाइड थर्ड साइकिल डाउन साइड सेकंड साइकिल सॉरी आप डाउन साइड थर्ड साइकिल ठीक है। और इसका कुछ लॉन्ग टर्म व्यू भी इधर थोड़ा सा निफ्टी बैंक निफ्टी का थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू दिखाता हूँ, आप लोग थोड़ा सा आप लोग को दिमाग पे रहेंगे तो इसका आप लोग को सुविधा हो जाएगा ठीक है। इसका जो है भाई कट, इसके बाद ये देखिए ये जो आप लोग इसका नोट कट कर आइए, जो रेड वाला ग्रीन वाला सॉरी ग्रीन वाला जो है ये आप लोग को बहुत ही सुविधा हो जाएगा। ये सब सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोग को जब दिमाग में रहेगा, ये टू रेंज ATR स्टैंडर्ड डेविएशन देखे फिबोनाची और गन लेवल्स का लेवल्स है, हाँ बहुत सारा लेवल्स है, लेकिन आप लोग बहुत सारा लेवल्स नोट करके भी रख सकता है तो और कंपेयर भी कर सकता है एक एक सेट के अंदर, तो इसमें आप लोगों को सुविधा हो जाएगा।
मैं तो सुविधा होता है, आप लोग को एक लेवल में काम करना आता है तो आप लोग एक कोई भी एक लेवल भी चुन सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये गांधी सिक्स ट्रायंगल 7 डेज का हिसाब से, इसमें गांधी 15 डेज का हिसाब से, इसमें 30 डेज का हिसाब से भी आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है। तो और इसका वर्ल्ड मार्केट का कुछ, ये जो नेट का प्रॉब्लम आता है ये क्या दिखाएगा? वर्ल्ड मार्केट कुछ मैंने जो देखा है कुछ मिक्स सिग्नल दे रहा है, कुछ डो जोन्स थोड़ा सा, ये देखिए एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा सा ऊपर दिखा रहा है, एसजीएक्स निफ्टी 920 का ऊपर है, गिरा है, हैंगसंग गिरा है, हैंगसंग गिरा है, डो जोन्स ऊपर है, S&P नीचे है, नैसडेक ऊपर है, FTSE ऊपर है, CAC नीचे है, डैक्स नीचे है, ठीक है। इसका थोड़ा सा मिक्स सिग्नल दे रहा है तो, और डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा गिरा है और गोल्ड का प्राइस बढ़ा है, सिल्वर का प्राइस बढ़ा है, तो ये सब एक मिक्स सिग्नल देता है। तो ऐसा कुछ मतलब कुछ डायरेक्टिव कुछ सिग्नल नहीं देता है कि इस साइड में जाएगा, तो लेकिन डाउन साइड का है। और लेकिन इसमें बीच बीच में अपसाइड का मूवमेंट होगा, ऐसा नहीं है कि एक बार एकदम से डाउनफॉल हो जाएगा या एकदम से अप मूवमेंट दिखाएगा इसमें। तो इसे ऐसे व्यू देके आप लोग चल सकता है। तो धन्यवाद।